आज हम बात करेंगे सिर्फ एक वर्ड पे। वो वर्ड एक क्वालिटी है, एक करेक्टरिस्टिक है, जो मेरे हिसाब से आज की डेट में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। हम सब के अंदर अगर वो क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक्स आ जाए, बल्कि है, अगर हम उसको और अच्छा कर लें, अगर हम उसको और बढ़ा लें, तो डेफिनेटली हम खुश रह सकते हैं, हम सेटिस्फाइड रह सकते हैं। क्या है वो क्वालिटी, क्या है वो वर्ड? वो वर्ड है रिजिलियंट। इसकी स्पेलिंग भी मैं आपको बता देता हूँ, RESILIENT, रिजिलियंट, राइट? अब ये क्या है, ये रिजिलियंट का मतलब क्या है? इट्स अ सिंपल एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्ट कंडीशंस। यानी जब आपके ऊपर कोई डिफिकल्ट कंडीशन आ जाए, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाए, जब सर्कमस्टांस जो है आपके अगेंस्ट जा रहे हों या जा चुके हों, तो आप कितनी जल्दी बाउंस बैक करते हैं, आप कितनी जल्दी रिकवर करते हैं, आप कितनी जल्दी अपने आप को वापस तैयार कर लेते हैं परफॉर्मेंस के लिए। ये है बीइंग रेजिलिएंट। और अगर आप रेजिलिएंट हैं, बिलीव मी, आप बहुत खुश रहने वाले हैं, आप बहुत सेटिस्फाइड रहने वाले हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कई लोग डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आते ही अपने आप को उसके साथ लगा देते हैं और उसके साथ जो है वो बह जाते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन के साथ। और जो व्यक्ति ऐसा करते हैं, वो बहुत समय लगा देते हैं अपने उस प्रॉब्लम के साथ, वो बहुत ज़्यादा खो जाते हैं अपनी उस प्रॉब्लम के साथ और वो बाउंस बैक नहीं कर पाते हैं, राइट? तो याद रखिएगा कि आप, अच्छा एक बात मैं यहाँ पे और बोलना चाहूँगा, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए इस ऑडियो में, आपके पास पेशेंस है एक मिनट दो मिनट सुनने के, तो एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, वो ये है कि देखिए, एक ही सच्चाई है। मैं बार बार आपको एक ही बात बता रहा हूँ जो मैंने सीखी है। मैं बार बार आपको एक ही बात बता रहा हूँ, जीवन की सिर्फ एक ही सच्चाई है और वो है दुख, वो है सफरिंग, वो है टफ सिचुएशंस। आपके जन्म से लेकर आपके मृत्यु तक आपको किसी ना किसी प्रकार का दुख, कोई ना कोई टफ सिचुएशन आपके साथ रहेगी रहेगी। इट्स जस्ट दैट कि हम कितने रेजिलिएंट हैं, हम कितनी जल्दी उस टफ सिचुएशन से बाउंस बैक करते हैं, हम कितनी जल्दी उससे रिकवर करते हैं और अपना नेक्स्ट शॉट लेते हैं। बी प्रिपेयर्ड, बी मेंटली प्रिपेयर्ड, बी रेजिलिएंट कि भैया कुछ भी हो जाए मैं तो बाउंस बैक करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तो जो है जल्दी रिकवर करूंगा अपनी बैड सिचुएशन से। ओके, सो बी रेजिलिएंट एंड इट विल हेल्प यू लिविंग योर लाइफ हैप्पीली एंड सेटिस्फाइड, राइट? विद दिस नोट गाइज, रिफ्लेक्शन के इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे लिंक्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ, उन्हें ज़रूर देखिएगा और अपने विचार ज़रूर प्रकट कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हिट, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।